और सीधे आपको हम लिए चलते हैं गोवा के पणजी में, जहां पर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाथ मिलाते हुए। ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें गोवा में ब्रिक्स देशों का 8वां सम्मेलन शुरू हो रहा है और इसी के तहत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले ही यहां पर राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे। और ये तस्वीरें सीधे पणजी से, गोवा की राजधानी पणजी से दिखा रहे हैं, जहां पर 8वां सम्मेलन ब्रिक्स देशों का शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि रूस के साथ खास करके काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, ये कई अहम समझौते होने वाले हैं, जिसमें कि रक्षा समझौता जो है वो सबसे अहम होने वाला है। मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी की खरीद की बात कही जा रही है और 200 कामो हेलीकॉप्टरों का भारत में होने वाला उत्पादन। गोवा में आज दिग्गजों का इसी के तहत जमावड़ा भी देखने को मिलेगा और इसी के तहत पूरे गोवा को, पूरे किनारे को एंटी एयरक्राफ्ट गन तक वहां पर लगा दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता महासिद्ध की हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। महा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम माना जा रहा है ये ब्रिक्स सम्मेलन जो हो रहा है, खास करके रक्षा समझौतों को लेकर जो रूस से हमारी बातचीत और आज जो अहम समझौते होने वाले हैं वो। जी हाँ श्वेता, आज रूस और चीन दोनों से ही प्रधानमंत्री मोदी की एक बायलैटरल मीटिंग है ब्रिक्स समिट से पहले। रूस के साथ जैसा कि आपने बताया कि मिलिट्री में, डिफेंस में और न्यूक्लियर एनर्जी में डील्स होंगी जो कि बहुत अहम है, लेकिन उसके अलावा भारत को, पाकिस्तान को मद्देनजर देखते हुए रूस और चीन दोनों से बहुत अहम बातें करनी है। जैसे कि रूस ने अभी पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है रूस पास 2016, जिसके बारे में भारत ने रूस से ऑलरेडी पहले ही बता चुकी है कि उनसे भारत नाखुश है और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के साथ ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। ये बात व्लादिमीर पुतिन को नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज बताएंगे। चीन के बिल्कुल, और देखना होगा ये जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है इसमें भारत ये पक्ष अपना रखता है कि नहीं, अपनी नाराजगी ये जाहिर करता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे।